केलांचल टाइम्स की खास पेशकश, नगर निगम का दंगल। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का केलांचल टाइम्स में और मैं हूँ आपके साथ महिमा सिंह। तो जैसा कि आप सभी को हमारे चैनल के द्वारा निगम चुनाव को लेकर पल पल की जानकारी दी जा रही है और हमारा संवाददाता भी लगातार आप सभी तक हर एक प्रत्याशी की योजनाओं और तैयारियों की जानकारी पहुंचाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में हमारे संवाददाता ओंकार झा भी चुनाव के मैदान से पल पल की जानकारी पहुंचा रहे हैं। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता ओंकार झा की ये खास रिपोर्ट। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स, मैं हूँ ओंकार झा। बिहार में पंचायती चुनाव हो गया है, गांव की सरकार बन गई है, अब शहरी विकास की बारी है। नगर निगम चुनाव की घोषणा हो चुकी है, प्रत्याशी अपना नामांकन करके चुनाव चिन्ह का इंतजार कर रहे हैं, जो कि 2-3 दिन में इन्हें चुनाव चिन्ह मिल जाएगा और उसके बाद चुनाव प्रचार जोर शोर पर लग जाएगा। सार मात का खेल देने के लिए एक प्रत्याशी दूसरे प्रत्याशी को तैयार है। अभी हमारी पूरी टीम सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज के वार्ड नंबर 15 में है और यहाँ से जो भावी वार्ड पार्षद की प्रत्याशी हैं किरण प्रकाश जी से हमारी मुलाकात हुई, इनसे ही जानते हैं कि ये चुनावी मैदान में क्यों आई हैं, चुनाव लड़ने का उद्देश्य क्या है। और जस्ट हमारे दाएं साइड इनके पति प्रकाश जी बैठे हुए हैं, इनसे भी बात करेंगे। मैडम, आपका स्वागत है हमारे चैनल में, क्या नाम है आपका? मेरा नाम किरण प्रकाश है। आप चुनावी मैदान में हैं, चुनाव क्यों लड़ रही हैं? लोगों की सेवा करने के लिए लड़ रहे हैं चुनाव। मतलब जनता की सेवा और अपने वार्ड का विकास के लिए आप चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पे समस्याएं क्या क्या है सर? पानी की समस्या है जी, जल जमाव की बहुत सारी समस्या है जी, स्ट्रीट लाइट नहीं है जी, नाली नहीं है, सड़क टूटी फूटी सड़क है जी, वृद्धा पेंशन की समस्या है, रोजगार की समस्या है, तमाम समस्या है, विकलांग पेंशन है, आवास योजना है, इस तरह की राशन कार्ड नहीं है लोगों के पास, ये समस्याएं हैं। अब हम बात करते हैं, आपकी पत्नी किरण प्रकाश जी अगर चुनाव जीत के आती हैं, यहाँ की जनता उन्हें अपना पार्षद बनाती है, तो यहाँ की जनता के लिए उनके द्वारा क्या क्या काम होगा? 10 काम ऐसे बताएं। सबसे पहले तो नारी सशक्तिकरण। कैसे? सबसे नारी को जो है अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए छोटे छोटे उद्योग लगा के उनको आगे बढ़ाएंगे, जैसा कि मोमबत्ती का उद्योग हो गया, पापड़ का उद्योग, अगरबत्ती उद्योग लगा के उनको अपने पैरों पे आप खड़ा करेंगे जी सर। पहला काम हो गया। दूसरा काम जितने भी पोल में सर जो है बिजली पोल में जो है वायरिंग का काम नहीं हुआ है जी, वो वायरिंग कर करके उसमें स्ट्रीट लाइट लगवाने का काम करेंगे, मतलब अपने वार्ड को जगमगाएंगे। जरूर। जो यहाँ पे लाइट की सुविधा नहीं है, रात में जो लोग अगर गुजरते हैं तो कहीं भी गड्ढे वगैरह में गिर सकते हैं, तो लाइट लगा के फिर सड़कों की व्यवस्था करेंगे, जो सड़क जर्जर व्यवस्था में उसको ठीक करेंगे जी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था की, शिक्षा का स्तर कैसा है यहाँ? शिक्षा का स्तर जो है सो बहुत नीचा है, उसको आप कैसे? उसके लिए जो है सो हम लोग जो है सो ऐसा प्रावधान करेंगे जो यहाँ वार्ड में जो बच्चे हैं उसके लिए हम लोग ट्यूशन की व्यवस्था करेंगे जी, होम ट्यूशन का व्यवस्था करेंगे, जिसमें जो हमारे गांव के ही हमारे वार्ड के ही टीचर लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे जी, उनका जो है सो उससे जो है सो कुछ सोर्स ऑफ इनकम भी होगा और विद्यार्थी को जो है सो उससे आगे भविष्य में जाने की सुविधा होगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, जब हमारी पूरी टीम यहाँ पे घूम रही थी तो पता चला कि बहुत ऐसे लाभुक हैं, बहुत ऐसे लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं जिनके पास आवास नहीं है, इस व्यवस्था को आप कैसे देखें? जी, आवास का बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पर जी, बहुत सारे लोग जो है सो बीपीएल के अंतर्गत आते हुए भी उनका जो है सो अभी तक जो है इंदिरा आवास कुछ हुआ नहीं है, इस पर जो है ये बहुत बड़ी मुद्दा है यहाँ की वार्ड के लिए, इस पर हम लोग बहुत जोर शोर से काम करेंगे। अब हम बात करते हैं कि यहाँ के युवा भी बेरोजगार हैं जी, उनको स्वरोजगार से कैसे जोड़ेंगे? युवा के लिए जो युवा जिस कैटेगरी में है उस कैटेगरी को देखते हुए ध्यान में रखते हुए उसके लिए हम लोग जो है सो रोजगार का जो है सो प्रावधान लाएंगे। यहाँ पे सरकार के द्वारा बहुत सारा योजना और अनुदान मिलता है, जैसे कि मत्स्य पालन के लिए, मधुमक्खी पालन के लिए, बकरी पालन, भेड़ पालन के लिए अनुदान मिलता है, तो क्या इसका लाभ आप उस युवा को दिलवा पाएंगे? जी जरूर दिलवा पाएंगे। और घुसखोरी प्रथा होगी आपके टाइम में? नहीं, एकदम नहीं। घुसखोरी क्यों होगी? नहीं होगी। भ्रष्टाचार? भ्रष्टाचार मुक्त होगा। महिलाओं और बुजुर्गों का सम्मान होगा? महिलाओं और बुजुर्गों का भी सम्मान होगा। अब हम बात करते हैं हमारी जो प्रत्याशी हैं किरण प्रकाश जी, एक महिला हैं, मैम महिला सुरक्षा पे कैसे काम होगा?
महिला सुरक्षा पर इसी तरह काम होगा कि हम लोग महिला पर ज़्यादा ध्यान देना होगा हमको जी। जो महिला पढ़ी लिखी नहीं है उनको हम थोड़ा सा जागरूक करेंगे, जागरूक करने के लिए उसको कोशिश करेंगे जी। आपने देखा हमारे जो प्रत्याशी हैं किरण जी, इनका विजन एकदम साफ है आईने की तरह। इनका कहना है कि जो भी काम होगा वो निस्वार्थ भाव से होगा, घुसखोरी नहीं होगी और ये सारे मुद्दे पे काम करेंगे, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, आवास योजना हो, सड़क का योजना हो, युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने का काम करेंगे ये। बाकी देखते हैं। सर एक सवाल और आपसे लास्ट में, जनता से आप क्या अपील करना चाहते हैं? जनता से यही अपील करना चाहते हैं इस इलेक्शन में जनता वैसे आदमी को चुने जो वार्ड के विकास में जो है सो काम दे, काम करे, वार्ड के विकास के लिए काम करे, वैसे आदमी को जनता चुने जो वार्ड पे ध्यान दे, वार्ड का विकास को, वार्ड को आगे ले जाए, आगे ले जाए। बाकी देखते हैं, जनता मालिक है, जनता सर्वोपरि है, कितना समर्थन करती है। इनका कहना भी है कि जनता अगर हमें जिता के लाएगी तो मैं उनके विश्वास पे खड़ा रहूंगा या खड़ी रहूंगी। फिलहाल बने रहें कलालचल टाइम्स के साथ, धन्यवाद। अरे ठीक हो भैया, ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो, इनका सब्सक्राइब कर लो और हाँ घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो कहा ही कहा था, जल्दी दबाओ।